विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु कोकजे ने शिवसेना पर पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि शिवसेना की आखिरकार देश में ताकत है ही कितनी, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के विरुद्ध काम करने वाली शिवसेना क्या राम मंदिर बनवाएगी। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राम मंदिर बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पहले 25 नवंबर के लिए शिवसेना ने घोषणा की कि वो अयोध्या में एक बड़ी रैली करेगी। इसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद भी 25 नवंबर को अयोध्या में एक धर्मसभा करने जा रहा है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु कोकजे जी मौजूद हैं। सर बताएं, आमने सामने विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना आ गए, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आमने सामने शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद नहीं आए हैं। जो व्यक्ति जो संगठन एक ही उद्देश्य के लिए काम करेगा वो आमने सामने कैसे हुआ? राम मंदिर का हमारा ये है कि राम मंदिर वहाँ भव्य राम मंदिर जन्म स्थल पर बनना चाहिए, यही वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो इसमें विरोधाभास ने आपस में टकराने की कोई बात नहीं है। सर, कल आपकी तरफ से एक बयान महाराष्ट्र में दिया गया जिसमें कहा गया कि वो पहले बाला साहब ठाकरे से जुड़ा स्मारक बनवा ले, कई और बातें भी कही, जरा उसे स्पष्ट कीजिए क्या है पूरा मामला। देखिए, वहाँ हमारा कार्यक्रम था रुग्ण सेवा उसका का, और उसके कार्यक्रम में हम लोग एकत्रित हुए थे। वो कार्यक्रम का ये इन विवादों से कोई संबंध नहीं था, सेवा का कार्य था। उसमें जब अंत में वहाँ पर पत्रकार जो आए थे उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, तो उसमें ये सवाल पूछा कि शिवसेना कह रही है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो मैंने उसके उत्तर में कहा था कि वो लोग पहले ये पूछते हैं कि आप यहाँ बाला साहब ठाकरे का स्मारक बना नहीं पाए, उसको पहले बनाइए, बाद में राम मंदिर की चिंता कीजिए, ऐसा लोग महाराष्ट्र के उनको पूछते हैं, ये मैंने कहा। ये अखबारों में आता है, तो उसके आधार पे कहा, तो उसका उन्होंने क्या छापा क्या कहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ये बातें स्पष्ट की थी कि हमारा कोई विश्व हिंदू परिषद का एकाधिकार हिंदुओं के लिए काम करने के लिए नहीं, हम केवल हमारे पास ही ये ठेका है ऐसा नहीं है। हिंदू हित में जो जो काम करेंगे उसका सबका स्वागत है, और हम लोग हम तो बड़े खुश होते हैं कि और एक संगठन जुड़ा। अच्छा, एक बार ये काम करने, अभी तक जिन्होंने ये काम नहीं किया, अभी तक इसके बारे में कभी चिंता नहीं की, नहीं, उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि अब हमने जब ये 25 नवंबर को कार्यक्रम करने की बात की तो अब और सब लोग भी जग रहे हैं। और एक बात और आपकी तरफ से कही गई कि ये हिंदी लोगों के खिलाफ थे, इसकी खिलाफत करते थे और उत्तर प्रदेश में आके कार्यक्रम, ये सारे चर्चाएं ये हुई, जो सवाल मुझे पूछते गए उनके मैंने जवाब दिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि शिवसेना वहाँ बना पाएगी, तो मैंने उनसे कहा था कि शिवसेना ने अपनी अखिल भारत में ताकत क्या है उसको देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश में उनकी ताकत क्या है उसको देखना चाहिए, और इस विरोधाभास को दूर करना चाहिए कि वो महाराष्ट्र में तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के विरुद्ध काम करेंगे, उनको भगाने की बात करेंगे, और उन्हीं लोगों के बीच में जाकर वहाँ राम मंदिर बनवा देंगे, इसका इसकी क्या संभावना है, कितना वो कर पाएंगे, इस पर उन्होंने विचार करना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। तो सर, जो राजनीतिक ताकत है उसी आधार पर राम मंदिर बनेगा, जो आपने बात कही कि कितनी ताकत है उत्तर प्रदेश में उस आधार पर वो अपना कार्यक्रम करे, तो क्या राजनीतिक आधार पर मंदिर की बात की जाएगी? नहीं, राजनीति के अलावा शिवसेना की क्या ताकत है? शिवसेना ने कौन से समाज कार्य किए, कौन से हिंदू धर्म के हित में काम किए, या कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया आज तक जिसमें राजनीति ने हो? तो सुना आपने किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शिवसेना को जवाब दिया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। दरअसल अयोध्या विवाद के केस पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर मना किया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि जल्दी सुनवाई की कोई जरूरत है नहीं, जनवरी के पहले हफ्ते में ही सुनवाई होगी। मतलब बहुत साफ, राम मंदिर का मामला कोर्ट से इस साल तो कम से कम आगे नहीं बढ़ेगा, जनवरी 2019 जब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख है तभी इस मामले में, मतलब मुकर्रर वक्त पर ही इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो अयोध्या केस की स्थिति क्या है ये समझ लीजिए। विवादित 2.77 एकड़, मतलब 3 एकड़ से कम जमीन का टुकड़ा जिस पर फैसला आना है, 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जमीन के टुकड़े को 3 बराबर हिस्सों में तीनों पक्षकारों को बांट दिया था। रामलला, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, तीनों को बराबर हिस्से में ये जमीन का टुकड़ा बांट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के 2010 के फैसले पर फैसला लेना है। अब सभी पक्षकार जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई जनवरी 2019 में ही होगी। जल्दी सुनवाई की जो अर्जी लगाई गई थी उस पर अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।